السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وأما المشكل فهو مزداد خفاء على الخفي كأنه بعدما خفي على السامع حقيقته دخل في أشكاله وأمثاله حتى لا ينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله। माकबल में आपने जाहिर की जिद खफी के ताल्लुक से गुफ्तगू को मुलाहजा किया था। आज आपके सामने नस और मुफस्सर व मुहकम की जिद को बयान किया जाएगा। तो नस की जिद चूंकि मुश्किल है, आज आपके सामने सबसे पहले मुश्किल के ताल्लुक से गुफ्तगू की जाएगी कि मुश्किल कहते किसको हैं। तो सुनिए, मुश्किल कहते हैं उसको जो पोशीदगी के एतबार से खफी से भी जायद हो, यानी कि खफी उस कलाम को कहते हैं कि जिसके माना क्या हो, पोशीदा हो। लेकिन मुश्किल उस कलाम को कहा जाता है कि जो पोशीदगी में खफी से भी बढ़कर के हो। किस एतबार से? इस एतबार से कि सामे पर अव्वल तो उस लफ्ज का माने मुराद पोशीदा था ही, लेकिन अब उसकी हकीकत अपने हम शक्ल और हम मिसल में दाखिल हो गई। तो अब ऐसी सूरत में जबकि लफ्ज का माने मुराद पोशीदा हो जाए और उसकी हकीकत उसके हम मिसल और हम शक्ल में दाखिल हो जाए, तो अब सिर्फ और सिर्फ तलब के जरिए से काम नहीं चलेगा। यानी कि उस लफ्ज का माने मुराद सिर्फ और सिर्फ उस अल्फाज के माना को तलब करने से नहीं पता चलेगा, बल्कि अव्वलन तो तलब चाहिए कि उस लफ्ज के माना को तलाश किया जाए, फिर उसके बाद उन मानी में गौर व फिक्र किया जाए कि यहाँ पर कौन सा माना मुराद हो सकता है, यहाँ तक के अब हम उस कलाम को जिसके अंदर इश्काल पैदा हो गया है उसको अपने हम मिसल और हम शक्ल से इम्तियाज दिला सकें। तो मुश्किल उस कलाम को कहेंगे जो पोशीदगी में खफी से बढ़कर के हो, गोया के सामे पर माने मुराद पोशीदा होने के बाद उस कलाम की हकीकत उसके हम शक्ल और हम मिसल में दाखिल हो गई, यहां तक के उस कलाम का माने मुराद जाहिर न हो पाए मगर तलब के जरिए, फिर जनाब वाला तामुल यानी गौर व फिक्र के जरिए से, यहां तक कि हम उस कलाम को उसके हम मिसल और हम शक्ल से इम्तियाज दिला सके। फरमाते हैं वामल मुश्किल फहुआ मजदाद खिफान अलल खफीरा, मुश्किल तो वो ऐसा कलाम है जो खिफा के एतबार से, पोशीदगी के एतबार से खफी से बढ़कर के हो। कअन्नहु बादमा खफिया अलसामे, गोया के सामे पर माने मुराद के पोशीदा होने के बाद, हकीकतहु दखल फी अशकालिही व अमसालिही, उस कलाम की हकीकत अपने हम शक्ल और हम मिसल में दाखिल हो गई। हत्ता ला युनाल अल-मुराद इल्ला बित-तलब, यहाँ तक के माने मुराद को ना पाया जा सके मगर तलब के जरिए से, सुम्मा बित-तअम्मुल, फिर गौर व फिक्र करने के जरिए, हत्ता यतमय्यज़ अन अम्सालिही, यहाँ तक के वो कलाम जो कि मुश्किल है वो अपने हम मिसल और हम शक्ल से मुमताज हो जाए। وَنَزِيرُهُ فِي الْأَحْكَامِ حَلَفَ لَا يَأْتِبْ لَا يَأْتِدَمُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْخَلِّ وَالدَّبْسِ فإنما هو مشكل في اللحم والبيض والجبن حتى يطلب في معنى الاعتدام ثم يتأمل أن ذلك المعنى هل يوجد في اللحم والبيض والجبن أم لا। मुश्किल की मिसाल आकाम शना में क्या है, मुसन्निफ अलर्रहमा उसको बयान फरमाते हैं, अगर किसी इंसान ने यह कसम खा ली कि वो सालन नहीं खाएगा, वो सालन नहीं खाएगा, क्या कहा उसने, लाया अतदीमू, कि वो सालन नहीं खाएगा, तो मुसन्निफ अलर्रहमा इरशाद फरमाते हैं कि उसका ये कहना लाया अतदीमू, ये सिरका और
खजूर के शीरे में जाहिर है, ये कलाम सिरके के ताल्लुक से और खजूर के शीरे के ताल्लुक से क्या जाहिर है, यानी अगर किसी इंसान ने जब ये कसम खाई कि वो सालन नहीं खाएगा, अब अगर उसने सिरके से रोटी खा ली या जनाबे वाला खजूर के शीरे से रोटी खा ली, तो इन दोनों सूरतों में वो क्या हो जाएगा, हानिस हो जाएगा, उसकी कसम टूट जाएगी। लेकिन अब मसला ये है कि अगर किसी इंसान ने गोश्त से, भुने हुए गोश्त से रोटी खा ली, या अंडे से रोटी खा ली, या पनीर से रोटी खा ली, तो अब बताइए क्या ऐसी सूरत में भी इंसान हानिस होगा या नहीं। तो फरमाते हैं मुसन्निफ अलरहमा, इस ताल्लुक से ये कलाम क्या हो गया, मुश्किल हो गया। कि अब कसम खाने वाले का ये कहना कि मैं सालन नहीं खाऊंगा, और अगर वो गोश्त खा रहा है, भुना हुआ, या अंडा खा रहा है, या पनीर खा रहा है, तब ऐसी सूरत में वो इन तीनों चीज़ों में से किसी को खाने की वजह से हानिस होगा या नहीं होगा। इस ताल्लुक से कलाम में इश्काल पैदा हो गया, इस ताल्लुक से कलाम क्या हो गया, मुश्किल हो गया। मुश्किल तो जब कोई कलाम क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो उसके ताल्लुक से हमने ये जाना कि पहले उस कलाम के माना को हम तलब करेंगे, फिर उसके बाद उन मानी में गौर व फिक्र करेंगे कि आया वो माना यहाँ पाया जा रहा है या नहीं। लिहाजा उसी कायदे के पेश नज़र पहले इतिदाम का हम माना तलब करेंगे कि इतिदाम का माना क्या आता है। तो सुनो मेरे प्यारे, इतिदाम कहते हैं उस चीज को जिसको रोटी के ताबे बनाकर खाया जाए। इतिदाम उस चीज को कहा जाता है कि जिसको रोटी के ताबे बनाकर खाया जाए, और जिसमें रोटी रंग जाए और डूब जाए, जिसमें रोटी रंग जाए और डूब जाए। तो अब उसके कसम खाने का मतलब ये होगा कि अगर उसने ऐसी चीज को तनावुल किया कि जिसमें रोटी डूब गई और जिसमें रोटी क्या हो गई, रंग गई, तब तो जनाबे वाला वो हानिस होगा। और अगर ऐसी चीज को उसने तनावुल किया कि जिसमें रोटी डूबी नहीं, या जनाबे वाला जिसमें रोटी रंगी नहीं, तब ऐसी सूरत में उन चीजों को खाने से वो हानिस नहीं होगा। लिहाजा इतिदाम के माना को जब हमने तलाश कर लिया कि इतिदाम का माना क्या है, तो अब हम गौर व फिक्र करेंगे कि ये इतिदाम का माना भुने हुए गोश्त में पाया जा रहा है या नहीं, अंडे में पाया जा रहा है या नहीं, पनीर में पाया जा रहा है या नहीं। तो गौर व फिक्र करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इतिदाम का माना ना तो भुने हुए गोश्त में पाया जा रहा है, इसलिए कि जनाबे वाला अगरचे उसको रोटी के ताबे बना करके खा लिया जाएगा, लेकिन भुने हुए गोश्त में रोटी डूब नहीं सकती, भुने हुए गोश्त में रोटी रंग नहीं सकती। इसी तरीके से अंडे का मामला कि अंडे में भी रोटी ना तो डूब सकती है और ना ही जनाबे वाला रोटी अंडे में रंग सकती है। इसी तरीके से पनीर का मामला है कि वो भी क्या होता है, सखीन होता है, यानी कि मोटा होता है, उसके अंदर पतलापन नहीं होता, बहाव नहीं होता है। लिहाजा ये अगरचे रोटी के ताबे बनाकर इन तीनों चीजों को खाया जाएगा, लेकिन जनाबे वाला इतिदाम का जो माना था पूरा मुकम्मल कि जिसको रोटी के ताबे बना करके खाया जाए, और जो जनाबे वाला डूब जाए, और जनाबे वाला रोटी पर उसका असर आ जाए, तो ये जनाबे वाला आखिर वाली दो कैदे कि रोटी डूब जाए और रोटी पर उस चीज का असर आ जाए, ये ना तो भुने हुए गोश्त में पाया जाता है, ना अंडे में, ना पनीर में। लिहाजा अब हासिल कलाम ये निकलेगा कि अगर किसी इंसान ने जब ये कसम खाई कि वो सालन नहीं खाएगा, तो वो अंडा भुना हुआ गोश्त और अंडा और पनीर खाने से वो हानिस नहीं होगा। तो अब इतिदाम ये मुश्किल हो गया काय के ताल्लुक से, भुने हुए गोश्त के ताल्लुक से, अंडे के ताल्लुक से और पनीर के ताल्लुक से। फरमाते हैं वनजीरु, और मुश्किल की मिसाल फिल आकामी आकामी शरा में हलफ लाया तिदमु, ये है कि किसी इंसान ने कसम खाई कि वो शोरबा यानी कि सालन नहीं इस्तेमाल करेगा, सालन नहीं खाएगा। फ़ैन्नहु ज़ाहिरुन फिल खल्ली वद्दबसी, तो बेशक ये कलाम जाहिर है कायम सिरके में, वद्दबसी और खजूर के शीरे में। फ़ैन्नमा हुवा मुश्किलुन फिल लहमी वल बैज़ी वल जुबुन, और ये कलाम जनाब वाला मुश्किल है भुने हुए गोश्त में, अंडे में और पनीर में।
हत्ता या तुलबा फी मान अल इतदाम लिहाजा ऐसी सूरत में अव्वलन इतदाम के माना को तलब किया जाएगा तो माना उसका ये निकला कि जिसको रोटी के ताबे बना करके खाया जाए जिसमें रोटी डूब जाए और रोटी पर उसका असर भी आ जाए। थम्मा यतअम्मलू लिहाजा हम उस माना में फिर गौर व फिक्र करेंगे कि अन्ना ज़ालिकल माना हल यूजदु फिल लहमि वल बैदि वल जबुन कि वो माना जो इतदाम का है क्या वो भुने हुए गोश्त में और अंडे में और पनीर में पाया जाता है अमला या नहीं पाया जाता है। तो जब हमने गौर व फिक्र किया तो अब जनाब वाला हम इस दर्जे पर पहुँचे कि इतदाम का माना ये ना तो भुने हुए गोश्त में पाया जाता है ना अंडे में पाया जाता है ना पनीर में पाया जाता है। लिहाजा इन तीनों चीज़ों में से किसी को खाने की बुनियाद पर इंसान हानिश नहीं होगा, वो इंसान जिसने ये कसम खाई हो कि वो सालन नहीं खाएगा। ثم فوق المشكل المجمل وهو ما احتمل وجوها فصار بحال لا يوقف على المراد به الا ببيان من قبل المتكلم। اب فرماتے ہیں کہ آپ نے ظاہر کی نس خفی کو بھی ملاحظہ کر لیا، نس کی ضد مشکل کو ملاحظہ کر لیا، اب مفسر کی ضد مجمل کو یہاں سے مصنف علامہ بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر معنی میں پوشیدگی کے اعتبار سے مشکل سے بڑھ کر کے درجہ کس کا ہے؟ مجمل کا ہے، مجمل کا۔ تو مجمل جناب والا کس کلام کو کہا جاتا ہے؟ تو مجمل اس کلام کو کہتے ہیں کہ جو بہت سارے معنی کا احتمال لگتا ہو، जो अपने अंदर बहुत सारे माना का एहतमाल लगता हो, एहतमाल रखने की वजह से इस हाल पर पहुंच गया हो कि उसकी माने मुराद पर वाकफियत नहीं हो पाती हो। माने मुराद पर वाकफियत की सिर्फ एक ही सूरत बची हो कि मुतकल्लिम की जानिब से कोई बयान आ जाए कि जिस बयान की वजह से इंसान माने मुराद पर वाकिफ हो जाए। तो मुजमल उस कलाम को कहा जाएगा जो कलाम अपने अंदर चंद माना का एहतमाल लगता हो और चंद माना के एहतमाल की वजह से उसकी मुराद पर वाकफियत नहीं हासिल हो पाती हो। अब वाकफियत सिर्फ और सिर्फ जनाब वाला मुतकल्लिम की जानिब से बयान के जरिए से हासिल हो तो उस कलाम को क्या कहा जाएगा? मुजमल कहा जाएगा। उसकी मिसाल जैसे कि आकाम शरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है हर्रमर रिबा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिबा को हराम फरमाया तो रिबा का माना आता है मुतलकन ज्यादती। तो अब आयत करीमा का मतलब ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतलकन ज्यादती को हराम फरमा दिया। हालांकि इस आयत करीमा से मुतलकन ज्यादती मुराद नहीं ली गई है, इसलिए कि अगर मुतलकन ज्यादती मुराद ले ली जाए तब तो ऐसी सूरत में इंसान का तिजारत करना ही हराम हो जाएगा, क्योंकि तिजारत जो होती है वो नफ़ा हासिल करने के लिए होती है और नफ़ा उसी वक्त हासिल होगी जबकि उसने जिस चीज़ को जितने में ख़रीदा उससे ज़्यादा से उसको बेच सके। तो अब अगर हम मुतलकन ज्यादती मुराद लें तो जो इंसान जिस चीज़ को उसने जितने में ख़रीदा है अगर उससे ज़ायद बेचेगा तो ये ज्यादती क्या हो जाएगी? रिबा होने की वजह से हराम हो जाएगी। हालांकि मामला ऐसा नहीं है क्योंकि तिजारत का जो वजूद हुआ है वो नफ़ा हासिल करने ही के लिए हुआ है। तो अब आयत करीमा का लफ्ज़ रिबा इस बात को बताता है कि मुतलकन ज्यादती क्या हो, हराम हो, और मुतलकन ज्यादती यहाँ पर मुराद नहीं है। तो कौन सी ज्यादती मुराद है? बल्कि वो ज्यादती मुराद है जो जनाब वाला उन चीज़ों की बय में जो चीज़ें मकदारी हों यानी कि मकीली हों या मौजूनी हों, जिनको नापा जाता हो, जिनको वजन किया जाता हो, उन मकीली या मौजूनी चीज़ को उन्हीं के हम मिसल से बेचा जाए और उसको ज्यादती के साथ बेचा जाए तो वो ज्यादती क्या कहलाती है? हराम कहलाती है। मसलन हमने सोने को सोने के बदले बेचा, अब अगर एक दिरहम सोना या 100 ग्राम मसलन सोना हम 125 ग्राम सोने के बदले बेच रहे हैं तो ये जो 25 ग्राम की ज्यादती है ये जनाब वाला ऐसी ज्यादती है जो इवज से खाली है, ये ज्यादती क्या कहलाएगी? हराम कहलाएगी। तो अब यहाँ पर जिस ज्यादती के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है उस ज्यादती से मुराद वो ज्यादती है जो कि उन चीज़ों की बह में
इवज से खाली हो कि जो चीजें क्या हैं मकदार के कबील से हैं, यानी कि जो चीजें या तो मकीली हैं नापने वाली चीजें हैं या वजनी हैं जिनका वजन किया जाता है, जब हम ऐसी चीजों को उन्हीं के हम मिसल से बेचेंगे तो वो क्या होना चाहिए, ज्यादती से खाली होना चाहिए। अगर जनाबे वाला ज्यादती के साथ हमने बेचा तब वो ज्यादती क्या कहलाएगी, इवज से खाली होने की वजह से हराम कहलाएगी। तो अब जो ज्यादती यहाँ पर मुराद ली गई है वो ज्यादती जो इवज से खाली हो उन चीजों की बह में जो चीजें मकदारी हों और उनको हम मिसल से बेचा जाए, ऐसी ज्यादती यहाँ पर मुराद है और उस ज्यादती पर लफ्ज रिबा की कोई भी दलालत नहीं हो रही है। जब उस ज्यादती पर लफ्ज रिबा की कोई भी दलालत नहीं हो पा रही है तो अब यहाँ पर जो रिबा से माना मुराद है, जो रिबा का माना है यहाँ पर जो मुराद लिया गया है उस मुराद पर हमारी वाकफियत नहीं हो पाएगी। यहाँ तक कि हम रिबा के माना में गौर व फिक्र भी कर लें, जनाब वाला उसके माना को तलब भी कर लें, तब भी तलब और गौर व फिक्र करने के बाद हम रिबा की माने मुराद तक नहीं पहुँच सकते। तब ऐसी सूरत में जनाब वाला लफ्ज़ रिबा के अंदर क्या हो गया, इजमाल पैदा हो गया, और जहाँ पर इजमाल पैदा हो जाए तो उस इजमाल को दूर करने के लिए शारे की जानिब से किसी न किसी दलील की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा अब यहाँ पर माने मुराद हमारे वक्त हमारे नज़दीक उसी सूरत में ज़ाहिर हो सकता है जबकि शारे की जानिब से हमें कोई दलील मिल जाए, और शारे की जानिब से दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब तुम सोने को सोने के बदले बेचो, चांदी को चांदी के बदले बेचो, खजूर को खजूर के बदले बेचो, नमक को नमक के बदले बेचो, तो बराबर सराबर बेचो, इसलिए कि अगर ज्यादती के साथ बेचोगे तो वो ज्यादती क्या कहलाएगी, रिबा कहलाएगी। इस हदीस पाक से हमको पता चलता है कि अगर मकदारी चीजों को हम उसके हम जिन्स से बेचेंगे तो उस सूरत में ज्यादती नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादती के साथ बेचेंगे तो उस ज्यादती क्या कहलाएगी, रिबा कहलाएगी। तो हासिल कलाम ये है कि हर्रमर रिबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रिबा को हराम फरमाया है तो रिबा का माना तो मुतलकन ज्यादती आता है, और मुतलकन ज्यादती यहाँ पर मुराद लिया नहीं गया है, बल्कि कौन सी ज्यादती हराम है, वो ज्यादती हराम है जो जनाब वाला उन चीज़ों की बह में इवज से खाली हो, जो चीज़ें मकदारी हो उनको उन्हीं की हमजिन्स से बेचा जाए और उस ज्यादती पर लफ्ज रिबा की कोई दलालत नहीं हो पा रही है, इसलिए जनाब वाला हर रमर रिबा में लफ्ज रिबा ये किस कबील से हुआ, मुजमल के कबील से हुआ। फरमाते हैं अलमुजमल हुआ महतमल वजूहन, मुजमल वह ऐसा कलाम है जो अपने अंदर चंद माना का एहतमाल रखे, फसारा बेहालन, तो वो चंद माना का एहतमाल रखने की वजह से ऐसी हालत पर पहुंच गया हो, ला युकफ अल मुरादी भी कि जिसके माने मुराद पर वाकफियत ना हो पाती हो, इल्ला बिबयान मिन क़िबल अल मुतकल्लिम, मगर ऐसे बयान के जरिए से जो मुतकल्लिम की जानिब से हो। व नज़ीर हो उसकी मिसाल फिस शरियात या काम शरा में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है हर्रम अर्रिबा का, इन्नल मफ़हूम मन अर्रिबा व ज़्यादतुल मुतलक़तु, इसलिए कि रिबा का जो माना है जो मफ़हूम है वो तो मुतलकन ज़्यादती है, वही गैरु मुरादतिन, और वो मुतलकन ज़्यादती यहाँ पर मुराद नहीं है, इसलिए कि अगर मुतलकन ज़्यादती हम मुराद ले लेंगे तब ऐसी सूरत में तिजारत का जो मकसद है वही फौत हो जाएगा। बल المراد والزياده والخاليه عن العوض, बल्कि मुराद यहाँ पर वो ज्यादती है जो عوض से खाली हो, फी बै المقدرات المتجانسه, उन चीज़ों की बैयों में जो जनाब वाला मकदारी हों और जनाब वाला उनको हम जिन्स से बेचा जाए। बल लफ्ज لا دلاله له, और लफ्ज रिबा की उस ज्यादती पर कोई भी दलालत नहीं है, फला जनाबुल मुरादु बिताम्मुल, तो जनाब वाला ऐसी सूरत में हम माना को तलब करने के बाद उसमें गौर व फिक्र भी कर लें तब भी हम माने मुराद तक नहीं पहुंच सकते, माने मुराद को नहीं पा सकते। सुम्मा फौकल मुजमल फिल खफा मुतशाबिह, तो फरमाते हैं मुसन्निफ अलरहमा मुजमल से भी बढ़कर क्या है, मुतशाबिह है कि मुतशाबे ऐसा कलाम होता है कि जिसके माना इतना पोशीदा होते हैं, इतना पोशीदा होते हैं कि उसके माना को तलब करने के बाद उसमें गौर व फिक्र भी कर लिया जाए, और गौर व फिक्र करने के बाद जनाब वाला फिर भी हम उसके माने मुराद तक, यानी कि ये कह लीजिए कि उसके माने मुराद तक पहुंचने की जो इंसान के पास उम्मीद हो वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी। तो ऐसे कलाम को क्या कहा जाता है, मुतशाबे कहा जाता है।
कि वो कलाम जिसके माने मुराद तक पहुंचने की जो उम्मीद हो वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई हो, उस कलाम को मुतशाबे कहा जाता है। मुतशाबे की मिसाल हरूफ मुक़त्तआत हैं जो सूरतों के शुरू में होते हैं, जैसे कि अलिफ लाम मीम हामीम तौसीन यासीन वगैरह। ये हरूफ मुक़त्तआत ये किसके कबील से हैं? मुतशाबे के कबील से हैं। इनकी माने मुराद क्या है इससे हम वाकिफ़ नहीं। इनके माने मुराद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाकिफ है, क्योंकि वो उसका कलाम है। अगर वो भी वाकिफ नहीं होगा तो इन अल्फाज का, इन कलाम का लग्व होना लाजिम आएगा, और उसके बताए से हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुरूफ़ मुक़त्तआत के मानी से क्या है वाकिफ हैं। लेकिन सरकार के अलावा, खुदा के अलावा इनके मानी से कोई भी वाकिफ नहीं है। फरमाते हैं सुम्मा फौकल मुजमल, फिर मुजमल से ऊपर फिल खिफाई कायम पोशीदगी में क्या मुतशाबे है? मिसाल मुतशाबे अल हुरूफ़ुल मुक़त्तआत फी अवाइल सुवर, मुतशाबे की मिसाल वो हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं जो सूरतों के शुरू में होते हैं। वह हुक्मुल मुजमल वल मुतशाबे एतक़ादु हक़ियतिल मुरादि बिही अत्तायातिल बयान। मुजमल और मुतशाबे का हुक्म मुसन्निफ अलैहिर्रहमा बयान फरमाते हैं। फरमाते हैं मुजमल और मुतशाबे का हुक्म यह है कि इनका जो माने मुराद है उसकी हक़ानियत पर एतक़ाद रखना यह लाजिम ज़रूरी है, यहाँ तक के बयान आ जाए। अब बयान वो दुनिया में आ जाए जैसा कि मुजमल में होता है, या बयान आखरत में आए जैसा कि मुतशाबे में होता है। बहरहाल मुजमल का जो माने मुराद है उसके हक होने पर, इसी तरीके से मुतशाबे का जो माने मुराद है उसके हक होने पर यकीन रखना ये लाजिम व ज़रूरी है। यानी कि मुजमल का जो माने मुराद है उस माने मुराद के हक होने पर हम यकीन रखते हैं, और इसी तरीके से मुतशाबे का जो माने मुराद है उस माने मुराद के हक होने पर हम क्या रखते हैं? यकीन रखते हैं। तो ये एतकाद मुजमल और मुतशाबे के माने मुराद पर क्या है? लाजिम व ज़रूरी है, यहाँ तक के बयान आ जाए। अब चाहे बयान दुनिया में आए, दुनिया में बयान आए जैसा कि किस में होता है मुजमल में होता है, या आखरत में बयान आए जैसा कि मुतशाबे है। हुक्मुल मुजमल वल मुतशाबे, मुजमल और मुतशाबे का हुक्म यह एतकादु हक़ियतिल मुरादि बिही कि इनका जो माने मुराद है उस माने मुराद की हक़ानियत का एतकाद रखना है, हत्ता यातिल बयान, यहाँ तक के बयान आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।